और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एस्पिरेंट्स जो हैं वो यूजुअली सिंगल ही रहते हैं। आप एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस चूज करिए एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। ऐसी यूनिट्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप कम समय दे करके मार्क्स कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उन यूनिट्स पर अपना ज्यादा फोकस रखो। कलेक्टिबल्स के ऊपर ही मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, उसको छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन में आने का क्यों चुना सर आपने? नहीं देखिए, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। बोर्ड मेंबर्स काफी कॉर्डियल होते हैं, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो रिस्पेक्ट जो सिविल सर्विसेज में है और सोसाइटी को जो आप दे सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, वो आप बिजनेस के थ्रू देना उतना आसान नहीं है। 19 का जो सिलेबस था और अभी जो वर्तमान सिलेबस है उसमें काफी परिवर्तन आ गया है, तो आपने दोनों को कोप अप कैसे किया? इनिशियन इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे पूछा गया, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मुझसे पूछे गए, WTO के बारे में मुझसे पूछा गया। मैं चार मेंबर्स थे, चार में से दो ने मुझसे सिर्फ मेरे बैकग्राउंड के बारे में ही प्रश्न किए। रिक्वेस्ट है कि भाई से मैं मिला, भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। रख हौसला, अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। इस बात को चरितार्थ करते हैं आदरणीय भैया जो 2019 का इंटरव्यू अभी दे के आए हैं और 2020 का इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं आपके वो सारे क्वेश्चंस जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं वो आदरणीय भैया से पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं कनिष्क, कनिष्क जैन। सर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? मैं सागर से आया। सागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सर आप जैसे इंटरव्यू में गए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट किया और मेरा बोर्ड राजेश लाल मेहरा सर का था, तो उन्होंने भी मुझे ग्रीट किया और मुझसे पूछा कि कनिष्क अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने का आपका प्लान है। तो अंदर का माहौल कैसा रहता है? नहीं देखिए, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। बोर्ड मेंबर्स काफी कॉर्डियल होते हैं, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, ना ही वो हमें डराना चाहते हैं। बोर्ड मेंबर्स इनफैक्ट आपको खुद रिकमेंड करते हैं कि आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, उसके बाद ही हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। सर जैसे कि मैं आपकी पर्सनालिटी देख रहा हूँ तो मतलब एक वाइब्स आती है ऑफिसर टाइप की, तो आपसे ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन पूछा गया आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई? जी नहीं, मुझसे बस यही पूछा गया कि आप किन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि मैं डेप्यूटी कलेक्टर डेप्यूटी एसपी वाली सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इसके अलावा आपकी क्या रुचि है और अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लॉ में करियर क्यों नहीं बनाना चाहते? तो मैंने कहा कि मैं इंटरेस्ट के तौर पे लॉ की पढ़ाई करना चाहता हूँ, बाकी मेरा इंटरेस्ट करियर के बेसिस पे। हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सर वैसे बिल्कुल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी होती है, वो सर के चेहरे पर झलक रही है। तो ये जो एक लंबा संघर्ष है इसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, पेशेंस तो रखना होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ था क्योंकि इसका प्रीलिम्स आप जानते ही हैं 2020 में हुआ था और इंटरव्यू अभी 2023 में हो रहा है। पेशेंस रीप्स रिजल्ट्स, तो मुझे ये उम्मीद है कि इसका अच्छा फल मुझे मिलेगा। और आपको सर अच्छा फल मिले ऐसे हम लोग हम और हमारे यूट्यूब की टीम सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। और सर जैसे आपके डैप से कोई क्वेश्चन आया क्या? जी मेरा इंटरव्यू मेजरली मेरे डैप से चला। बोर्ड में चार मेंबर्स थे, चार में से दो ने मुझसे सिर्फ मेरे बैकग्राउंड के बारे में ही प्रश्न किए, खास करके कॉमर्स बैकग्राउंड, बीकॉम और एमकॉम मैंने किया हुआ है, उस पर ही मेरे अधिकतर क्वेश्चन चले। क्या क्वेश्चन आए थे सर आपसे? कि कॉमर्स में कौन सी फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगती है, केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे पूछा गया, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मुझसे पूछे गए, WTO के बारे में मुझसे पूछा गया, इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स अभी हम करंट जनरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न मुझसे पूछे गए। जी जी। इसके अलावा डैप से मेरी हॉबी के बारे में मुझसे प्रश्न पूछे गए। सर आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी कलेक्टिंग कलेक्टिबल्स और साइकिलिंग है। okay. तो कलेक्टिबल्स के ऊपर ही मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। सर कलेक्टिबल्स एक्सप्लेन करेंगे, है क्या ये जी? गाड़ियों के जो डाईकास्ट मॉडल्स होते हैं, मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो उसके जो डाईकास्ट मॉडल्स होते हैं उनको ही मैं कलेक्ट करने का शौक रखता हूँ। इसी से मेरा एक क्वेश्चन आगे बढ़ा, उन्होंने गाड़ियों के बारे में मुझसे पूछा कि RTO के बारे में मुझे क्या जानकारी है। मेरा एक्चुअली फैमिली बिजनेस भी थोड़ा गाड़ियों से संबंधित रहा है। अच्छा। तो गाड़ियों से संबंधित मुझसे क्वेश्चन किए गए, दिल्ली में मोटर व्हीकल पॉलिसी क्या है वो पूछी गई, ऐसे जनरल क्वेश्चन। और सर जैसे मैंने अभी आपसे पहले इंटरव्यू के पहले बात कर रहा था तो आपका एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, तो मतलब आज के जमाने में बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है कि पैसा अच्छा आएगा और शोहरत मिलेगी, मतलब हर चीज मिलती है आपके पैसे से, आजकल हर चीज चलती है, लेकिन आपने उसको छोड़ के अपना, जबकि आपका खुद का फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आने का क्यों चुना सर आपने? सर देखिए, बिजनेस में आप पैसे जरूर कमा सकते हैं, हर कुछ सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन इस रिस्पेक्ट जो सिविल सर्विसेज में है और सोसाइटी को जो आप दे सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, वो आप बिजनेस के थ्रू देना उतना आसान नहीं है। और इस में जो पोजीशन और रिस्पेक्ट आपको मिलती है सिविल सर्विस में, उसी के लिए मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ। और सर पार्टनर का कोई विचार है अभी? नहीं सर, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो हैं वो यूजुअली सिंगल ही रहते हैं। वो एक बड़ा स्ट्रगल है, वो इसको मैनेज करना, उसको मैनेज करना शायद मुश्किल हो जाता है ना? जी जी। नहीं मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि मैनेज करना आसान है या नहीं है, बट मेरा ऐसा कोई सीन अभी तो नहीं है, अभी तक नहीं है। हाँ जी। और सर जैसे आ गए, इंटरव्यू चला होगा आपका,
तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? लास्ट क्वेश्चन मुझसे इंडिया एज अ रिपब्लिक के बारे में पूछा गया। और इसके साथ ही जो लोग देख रहे हैं और इंटरव्यू देखते बस हैं और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं और इसका परिणाम आपको दिखाते हैं और सर के जो अनुभव है वो आप तक पहुंचाते हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसके साथ ही सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी प्री का पेपर होने वाला है 23 का, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए प्रीलिम्स का टिप्स यही है कि आपकी तैयारी जो है वो ऑन ट्रैक होनी चाहिए। आप एक सेलेक्टेड कंटेंट आप चूज करिए, जैसा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है आज सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, तो आप एक प्रिस्क्राइब सिलेबस चूज करिए एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। उससे अलग जाने की कोशिश मत करिए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जितना कंटेंट आपको सिलेबस में दिया गया है फ्रॉम वन सिंगल सोर्स, आप उसकी इतनी अच्छी तैयारी करिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूरे कर पाएं। अब तो एमपीपीएससी में सिलेबस डिवाइडेड है, हर यूनिट से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे यूनिट्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप कम समय दे करके मार्क्स कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उन यूनिट्स पर अपना ज्यादा फोकस रखिए, जो बड़े यूनिट्स हैं उनको उतना इंपॉर्टेंस इस समय पे इसलिए ना दें क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और सर जैसे 19 का जो सिलेबस था और अभी जो वर्तमान सिलेबस है इसमें काफी परिवर्तन आ गया है, तो आपने दोनों को कोप अप कैसे किया, इसको कैसे समझा फिर? देखिए सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं आया है, सिलेबस वही रहता है, जनरल स्टडीज हमें सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेटेड रहना है। तो सिलेबस चेंज होने का एक ये मतलब हो सकता है कि कुछ टॉपिक जरूर बाहर होते हैं और कुछ टॉपिक अंदर होते हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो बेस होता है जनरल स्टडीज का वो तो वही रहता है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो सिलेबस चेंज होने से मुझे नहीं लगता कि उतना अंतर पड़ना चाहिए। जैसे एक पेपर 4 में आई थिंक शायद एथिक्स फिलॉसफी है और साइकोलॉजी है, तो इसके बारे में तैयारी के बारे में थोड़ा सा टिप्स देंगे? मुझे लगता है कि इंटरनेट एक बेस्ट सोर्स है, क्योंकि बुक्स जो है हर जगह पर हर एस्पिरेंट को उतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, और बुक्स का कंटेंट जनरली हर एस्पिरेंट के हिसाब से नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ कि एस्पिरेंट को अपने लिए कंटेंट खुद क्रिएट करना चाहिए, तो इंटरनेट का यूज़ करें और बेसिकली जो भी आपका टॉपिक है सब्जेक्ट है उसको इंटरनेट के थ्रू अपने खुद के नोट्स बनाकर तैयार करिए। वो जो नोट्स आप बनाएंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे और पूरे एग्जाम के लिए आपके दिमाग में फिक्स रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। सर तो आपने जो भी जानकारियां दी है सर ने, तो निश्चित ही हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। और इसके साथ में सर अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक वो मोमेंट बता दीजिए जब आपको लगा हो कि छोड़ देना चाहिए। हाँ सर, और एक वो मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब तो नहीं छोड़ना है। सर आई विल नॉट लाई, मुझे मेरी जर्नी में जब से आप जानते हैं कि कुछ डिले चल रहा है किन कारणों से, ऐसा कई बार मुझे फील हुआ है कि इस मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये मेरे लिए है या नहीं है, और ऐसा हर एस्पिरेंट को फील होता ही होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब राइट नाउ इज द मोमेंट जब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, जो रिस्पेक्ट इन सर्विसेज में है वो कहीं और आप अर्न नहीं कर सकते, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ सभी मैं एस्पिरेंट से कहूंगा कि आगे बढ़िए और जितने जल्दी हो सके सिलेक्शन लीजिए। आप यहाँ इंटरव्यू देने आएंगे तो दीपेंद्र भाई आपका इंटरव्यू देंगे, और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि भाई से मैं मिला, भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आपको सर सिलेक्शन हो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।